हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 और 75, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में ये देखे थे कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है, और वहां पर नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 दिया गया है, 1 नहीं दिया गया है, और चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशंस पहले देखते हैं। तो लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि जो फोर्थ एंगल है वो x डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज तो आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 75 प्लस 90 प्लस 75 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों तीनों को ऐड किया जाए तो 150, ये 90 हो गया, 240। तो 240 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो 360 माइनस 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ आया होगा। ये हो जाएगा 150 और ये, हाँ ठीक है, और हाँ बिल्कुल। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 2 नंबर दिया गया है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द, यहाँ पर जो है एंगल वो रेशियो में दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी 2x, 4x, 5x और 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हम ये मान लिए कि कुछ इस तरीके से एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का सम इट मीन 2x + 4x + 5x + 7x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, और देखिए ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहा, तो यहाँ पर डिग्री मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये 6x हो गया। ठीक है, 6 और +5 11 + 7 18x, तो यहाँ से हमारा आया 18x इज इक्वल टू 316, और इसको अगर इससे काटे तो हमारा 20 टाइम्स में कटेगा। अब फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, तो या फिर हम डायरेक्टली एंगल लिखते हैं। ठीक है, 2x था तो 2 × 20° इज इक्वल टू 40° पहला हो गया, दूसरा जो है 4x हो गया, 4 × 20 इज इक्वल टू 80 हो गया। ठीक है, तीसरा जो है वो 5x है, मीन्स 5 × 20 इज इक्वल टू 100 हो गया, और चौथा जो है वो 7x है, तो 7 × 20 इज इक्वल टू 140 हो गया। तो दीज आर द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर का सभी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, और इवन आपको उन सारे वीडियोस का, उन सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है, दैट जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रैपीजियम। ABCD क्या है, ट्रैपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। और यहां पर ये कंडीशन दिया गया है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। इफ एंगल A इज इक्वल टू 55° एंड एंगल B इज इक्वल टू 70°, फाइंड एंगल C और D। ठीक है ना, तो काफी इजी ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन हमारे पास दे दिया गया है, हालांकि ट्रापीजियम का जो डिफिनेशन होता है वो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो क्वाड्रिलेटरल का था उसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैडलर एंड वन आर नॉन पैडलर। जो एक पेयर बनेगा वो पैडलर होगा और दूसरा जो पेयर होगा वो नॉन पैडलर होगा, ये चीज हम लोग देखे थे। ठीक है ना, तो यहां पर अगर ये दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे कि AB इज पैडलर टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल। AD को हम क्या मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक है, और अगर AD ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो एक को इंटीरियर एंगल है। ठीक है,
तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल से ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, जो कि हम लोग को इंटीरियर एंगल के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ पैडलर लाइन के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैडलर लाइन इफ मतलब वहां पे क्या मानकर चले थे कि एल एंड एम आर टू पैडलर लाइंस एंड टी इज ट्रांसवर्सल, तो वहां पर अगर दो पैडलर लाइन और एक ट्रांसवर्सल है तो वहां पर जो जो एंगल फॉर्म कर रहे थे उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। इससे पहले मतलब लाइन्स एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सब वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो गया, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी थ्योरम्स थे, सारे थ्योरम्स वगैरह का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और उन सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये तो हमारा हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू तो हमें पता है, एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, प्लस एंगल डी तो हमें नहीं पता, तो यहाँ हो गया ये एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। सेम इन अ सेम वे आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, इट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी किस प्रॉपर्टी से, तो इंटीरियर एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, ये 180 हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।